नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिकार देने के लिए दो कानून में संशोधन करने पर फैसला होगा। बिहार में चमकी बुखार का जो कहर शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा 152 तक पहुंच गया है। बुखार की वजह से मचे हाहाकार के बीच आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के तुलहुल गांव में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का दर्द गठबंधन को लेकर सामने आया है। मायावती ने रविवार को बसपा विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर लंबी चर्चा की और उसे लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह बताया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन किए जाने के 3 दिनों बाद IMA के फरार प्रमुख मंसूर खान ने रविवार को जारी एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की पेशकश की। वैसा विदेशी मुद्रा दुबई ले जाने की साजिश को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। यह मामला कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां से केरल मूल में एक मुसाफिर को CISF ने हिरासत में लिया है। विधानसभा चुनाव के किनारे पर खड़े महाराष्ट्र से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। बॉम्बे नगरपालिका ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकारी आवास वर्षा को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। फडणवीस के घर का करीब 7.5 लाख रुपए का पानी का बिल बकाया है। यही कारण है कि आवास को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। देश में अब लगभग सभी राज्यों में बारी बारी से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कई शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश की खबरें सामने आई हैं। इंडोनेशिया में 7.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इंडोनेशिया जियो फिजिक्स एजेंसी के मुताबिक इस भूकंप से सुनामी की कोई संभावना नहीं जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ वार्ता के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है, सिवाय इसके कि वह उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार।